हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरे डिजाइन एकेडमी ऑफ डिजाइन। आज मैं आप लोगों को पैटर्न ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी, जो कि होगा मेग्यार स्लीव का। मेग्यार स्लीव जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि मेग्यार स्लीव एक टॉप टाइप का टॉप होता है, जो कि हम मोस्टली मार्केट से खरीदते हैं, बनाते हैं, तो आप इजी तरीके से घर पे बना सकते हो। बहुत ईजी स्टेप होता है इसको बनाने का, तो उसकी ड्राफ्टिंग करना मैं बताऊँगी। आपने ड्राफ्टिंग करना सीख लिया तो आप उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे टाइप के डिज़ाइंस का टॉप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग कैसे करी जाएगी? मेग्यार स्लीव बनाने के लिए जो मेजरमेंट होगा वो है वेस्ट लेंथ, जो मैंने 14 इंच लिया है, पर लेंथ आप छोटा बड़ा कर सकते हो। आपको जो अगर टॉप बनाना हो तो आप लेंथ को 14 से 20-25 तक ले सकते हो। राउंड बस्ट है 36, शोल्डर है 14, तो इसके ये तीन मेजरमेंट आपको नीड होगी एक मेग्यार स्लीव बनाने में। तो फर्स्ट आपको करना है 1 to 2 वेस्ट लेंथ जाना है। 14 इंच मैंने वेस्ट लेंथ लिया है, तो ये 14 इंच आपको 1 to 2 वेस्ट लेंथ जाना है। नेक्स्ट 1 to 3 जाना है राउंड बस्ट का 1/4। जैसे राउंड बस्ट का 1/4 36 राउंड बस्ट है, तो उसका 1/4 हो जाएगा 9 इंच, तो 1 to 3 जाएंगे 9 इंच। नेक्स्ट है 1 to 4 जाना है हमें शोल्डर का हाफ। जैसे शोल्डर 14 इंच है तो 1 to 4 जाएगा 7 इंच, ये शोल्डर का हाफ हो जाएगा यहाँ तक 4 इंच। नेक्स्ट है 1 to 4 इक्वल टू 3 to 5 जाना है, जो कि बस्ट से शोल्डर तक जाएगा। उसके बाद आपको 2 to 6 भी जाना है, 1 to 2 वेस्ट लेंथ 14 इंच, 1 to 3 जाना है बस्ट का 1/4, बस्ट का 1/4 वो 36 का 1/4 होगा 9 इंच, तो 9 इंच 1 to 3 पॉइंट्स बनाने हैं। 1 to 3 पॉइंट्स बनाने के बाद 1 to 4 जाना है आपको शोल्डर का हाफ। शोल्डर 14 इंच है तो इसका हाफ हो जाएगा 7 इंच, तो 1 to 4 पॉइंट्स बनानेंगे 4 पे। उसके बाद 1 to 4 इक्वल टू लेना है 3 to 5, जो 7 इंच है, तो ये भी आपका 7 इंच आएगा। तो पॉइंट्स बना के इसको फिर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 1 to 6, 1 to 6 आएगा आपका बस्ट का 1/4। जैसे बस्ट का 1/4 9 यहाँ भी हमने लिया है, तो इधर से भी हमें बस्ट का 1/4 ही लेना है। जैसे 7 में आपको 2 इंच या जितना भी आपका बस्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऐड कर दोगे, तो 6 इंच आएगा जो पॉइंट, वो बस्ट का 1/4 होगा। 1 to 6 इक्वल टू 3 to 7 जाना है। जैसे ये इक्वल लिया था वैसे ही 3 to 7 भी इक्वल लेना है। इसको भी आपको यहाँ से यहाँ मिला देना है। नेक्स्ट है 3 to 6 इक्वल टू 2 to 8। अब जितना आपका 1 to 6 है, 3 to 7 है, वही आपको 2 to 8 भी लेना है। तो एक बॉक्स आपका इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका स्लीव। अब इसमें स्लीव अलग से हमें नहीं बनाना है, तो इसी वजह से हमें इसी में ऐड करना है। तो 6 to 9 हमें जाना है स्लीव का लेंथ। आप स्लीव लेंथ कितना लेना चाहते हो वो आपके अकॉर्डिंग है, और लेंथ अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप 9-7 इंच लो, या फिर कम रखना चाहते हो तो आप 3 to 4 इंच ले सकते हो। तो इस तरीके से 6 to 9 मैं 7 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। 6 to 9 इक्वल टू 7 to 10 जो होगा 7 इंच। एक ब्लॉक बनेगा जो 6 to 9 इक्वल टू 7 to 10, और उसको इस तरीके 9 to 10 के बाद कहाँ गए, हाँ 9 to 10 के बाद आपको जाना है नेक लाइन बनाने के लिए। नेक लाइन कैसे बनाएंगे, 1 to 2 जो शोल्डर लाइन है हमारा, उसी के ऊपर आपको नेक लाइन बना लेना, जैसे सारे शोल्डर लाइन पे नेक लाइन बनाते हैं। तो 1 to 12 जाना है हमें बस्ट का 1/12, उसको आपको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है कि बस्ट का 1/12 कितना होगा, तो 2.8 आएगा। या फिर आप जो एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज होता है विड्थ का, नेक विड्थ का, वो 3 इंच ले सकते हो। उसके अलावा आप जैसा आपको नेक लाइन रखना है वैसा नेक लाइन रख सकते हो। तो यहाँ से आप 2.8 जाओगे बस्ट का 1/12 लेने के बाद। तो बस्ट का 1/12 लेने पे आपका 2.8 आएगा, सॉरी 3 इंच आएगा, क्योंकि 36 है इसका, तो 3 इंच। उसके बाद 1 to 3 जो डेप्थ आएगा वो 1 to 13 डेप्थ आएगा वो आएगा आपका 1 इंच। 1 इंच लो, या फिर आप चाहो तो छोटा बड़ा कर सकते हो। 1 to 14 आएगा आपका वही 1/12 ऑफ बस्ट प्लस 1 इंच ऐड कर देंगे, तो ये फ्रंट पार्ट को, तो ये जो लाइन है ये आपका फ्रंट होगा, फ्रंट नेक लाइन, और ये होगा आपका
बैक नेकलाइन। तो आपका नेकलाइन रेडी है। नेक्स्ट आपका आएगा स्लीव में। स्लीव में आपको ये जो स्लीव को हम जो अलग से फोल्ड करेंगे तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से और 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेके आप इसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका स्लीव बन गया है। अब हल्का सा आपको इसमें कर्व देने के लिए, जैसे हम राउंड जो आर्म होल होता है उस साइड से कर्व देने के लिए हमें 7 to 11 जाना है 1 इंच, या फिर अकॉर्डिंग टू कर्व के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। जैसे कर्व जो भी आपका बन रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। तो इस तरीके से 1 इंच नीचे जाके और इसको इसमें मिला देना है। तो ये आपका मेग्या स्लीव रेडी है, जिसमें यहाँ से भी ऑन फोल्ड होगा और यहाँ से भी ऑन फोल्ड होगा। तो फैब्रिक को ऑन फोल्ड कैसे करना है और उसकी कटिंग कैसे करनी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहुत इजी स्टेप है, आपने इसको अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आपको बाद में इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इससे आप अलग अलग टाइप के बहुत सारे वेरिएशन में टॉप बना सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।